मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय प्रारंभिक शिक्षा में लागू हुई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम था DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसको हिंदी में कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP इसको इंग्लिश में कहते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने में और इसको एक बेहतर स्वरूप प्रदान करने में इस योजना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसकी जड़ें या कहें कि जिसका आधार 1992 में जो रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें जो रिवीजन हुआ 1992 में, उसमें इसकी रिकमेंडेशन दी गई, इसके बारे में बात की गई, और उसका परिणाम था कि हमारे सामने DPEP जैसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आया। इस कार्यक्रम पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सोमू सिंह। डॉक्टर सोमू सिंह जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य हैं। आपका स्वागत है सोमू सिंह जी। और सोमू सिंह जी हमसे बात करेंगे इस कार्यक्रम की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में, और ये योजना कब शुरू हुई और ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल हुई, इन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे सोमू सिंह जी से। सोमू सिंह जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बताएं कि जो DPEP कार्यक्रम था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम वास्तव में था क्या? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जी यह कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उसके विकास के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया जी, और इस कार्यक्रम की जो इकाई थी, जो केंद्र में इकाई थी, वो जिला थी। जिले की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्त करने की नीति अपनाई गई इसमें जी। और इस इकाई जिसके रूप में जो जिला चयन करने के दो मानदंड थे जी, उनके दो पैमाने थे जी। पहला तो ये कि राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले जी। दूसरा जो पैमाना था, ऐसे जिले जिनमें सबको साक्षर बनाने का अभियान सफल रहा हो और प्राथमिक शिक्षा की जहां पर मांग बढ़ी हो। आपका कहने का अर्थ ये है कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो महत्वपूर्ण इकाई थी, जो पूरे कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए आधार था, वो एक जिला था जी। प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता, अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता, उसके अनुसार उस जिले की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा का कार्यक्रम बनाया गया। शायद इसीलिए इसका कार्यक्रम का नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम रखा गया। और जैसा कि आपने बताया, इसको चयन करने के दो महत्वपूर्ण आधार लिए गए। एक तो इस योजना में उन जिलों को चुना गया जो जिले शैक्षिक दृष्टि से, जो राष्ट्र की शैक्षिक साक्षरता दर थी, जो राष्ट्र की साक्षरता, महिला साक्षरता दर थी, उसमें से जो उस औसत से भी पिछड़े औसत वाले जिले थे, और दूसरे ऐसे जिले इन्होंने चुने जिनमें साक्षरता योजना काफी हद तक सफल रही हो और जहां प्राथमिक शिक्षा की मांग काफी बढ़ी हो। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि प्रारंभ करने का जो आधार था वो बहुत महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से जी, चूंकि भारत विविधताओं का देश है, हमारी समस्याएं भी विविध हैं और कोई एक फार्मूला नहीं कार्य कर सकता है जी। तो जिले के स्तर पर जिले की समस्याओं का अध्ययन और उस हिसाब से योजना बनाने का एक अच्छा प्रयास शुरू किया गया था जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों से आरंभ हुई। अच्छा। और इसका विस्तार 18 राज्यों के 273 जिलों तक हुआ, किया गया जी। और निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयास था जिसमें, जिसका विस्तार भी हुआ और उसका प्रभाव भी पड़ा जी। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसा कि आपने बताया कि जिलों पर आधारित कार्यक्रम था और प्रारंभ में ये कुछ जिलों में जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे इसको
सभी जिलों तक बढ़ाया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये विश्व बैंक द्वारा पोषित एक योजना थी और इसके लिए आर्थिक सहायता विश्व बैंक ने भारत सरकार को प्रदान भी की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या रखे गए थे। उद्देश्य के पहले दो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने स्पष्ट कर दूं। जी, यह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना प्रबंधन तथा व्यावसायिक सहायता हेतु राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला संस्थानों एवं संगठनों की क्षमता में वृद्धि के लिए भी कार्य करता था। जी अच्छा। यह अतिरिक्त व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित था और इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत जो उपलब्ध प्राविधान थे उनको सहायता प्रदान करके मौजूदा कमी को दूर करना था। जी, तो एक तरह से जो योजनाएं पहले से लागू हैं उनको भी सहायता प्रदान करना, उनको भी मजबूती प्रदान करना भी इसका एक कार्य था। जी, अब आते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे उन पर। जी, तो जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें से जिला विशेष के अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीति को लागू करना। अर्थात आपका कहना है, जैसे कि हमने बात में शुरू की थी, कि इस योजना में जो चूंकि केंद्र बिंदु जिला था, तो जो भी इसके नियम बनते थे या जो भी नियोजना बनती थी वो प्रत्येक जिले विशेष के अनुसार बनती थी और प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुसार उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। जी जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य इनका था, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जी, निश्चित रूप से उस दौर में जब ये प्रारंभ हुआ 1994 में, बहुत सारे बच्चे जिनकी संख्या लाखों में रही उनको प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो यही अपने आप में एक चुनौती थी और इसको एक लक्ष्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। जी। दूसरी चुनौती थी, जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा अधूरी छोड़ देते थे उनकी भी दर काफ़ी अधिक थी। जी, जी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों की दर 10% से भी कम करना, ये एक लक्ष्य निर्धारित, इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। जी। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य इन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस क्षेत्र में सामाजिक एवं लैंगिक भेदभाव को 5% से भी कम करना, ये भी इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य, चूंकि हमारे यहाँ विविधता है जैसा कि हमने पहले भी कहा, समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रासंगिकता बनाए रखना। जी। और प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के सीखने समझने के स्तर में 25% तक वृद्धि करना। अर्थात आपका कहना ये कि इनके उद्देश्यों में दो और महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, जो शिक्षा में लैंगिक भेदभाव और सामाजिक भेदभाव है उसकी दर को कम किया जाए, अर्थात विद्यालयों में किसी प्रकार का लैंगिक या सामाजिक भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। और दूसरी जो बहुत अच्छी बात है कि समुदाय की भागीदारी हो विद्यालयी लक्ष्यों को प्राप्त करने में, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, ताकि विद्यालय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय संवेदनशीलता के प्रति जागरूक रहें और उसके प्रति उत्तरदायी रहें। इसलिए समुदाय और विद्यालय की आपसी भागीदारी की बात जो इस योजना में की गई, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य था इस योजना का। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना थी, DPEP जो योजना थी, इस योजना में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, इसके मुख्य घटक क्या क्या थे? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जो मुख्य घटक थे जी, उसमें प्रमुख रूप से नए विद्यालयों का निर्माण या जो एग्जिस्टिंग या वर्तमान जो विद्यालय थे उस समय उनमें नई कक्षाओं का निर्माण, जो अतिरिक्त कक्षा का कॉन्सेप्ट आया, आज भी आप देखते होंगे कई सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण होता है, कहीं ना कहीं इसी कार्यक्रम से निकला एक कॉन्सेप्ट है। जी। जो योजना तो समाप्त हो गई लेकिन अभी भी उसके अन्य योजनाओं के तहत प्रैक्टिसेस आपको अभ्यास के रूप में देखने को मिलती हैं। वो अन्य योजनाओं का हिस्सा, अन्य योजनाओं का हिस्सा हो गया। जी। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण घटक था, नॉन फॉर्मल यानी कि अनौपचारिक या जिसे कहें हम वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना। विद्यालयों के अतिरिक्त ग्रामीणों को, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को
एक और विकल्प शिक्षा के केंद्र के रूप में मिले उसकी स्थापना का भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। जी, तीसरा जो मुख्य घटक था इसमें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए अध्यापकों की नियुक्ति का भी इसमें कॉन्सेप्ट था। जी, नए अध्यापकों की नियुक्ति भी की गई इस योजना के आरंभ होने के बाद। जी, चौथा जो इसका घटक जिसे हम जानते हैं, स्कूली शिक्षा से पहले के शिक्षा केंद्र खोलना, प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं, अभी नई शिक्षा नीति समय चर्चा के दौर में है और कहा जा रहा है कि उसमें मुख्य जोर पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी है इस बार। जी, मुझे लगता है आंगनवाड़ी केंद्रों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी केंद्रों की सफलता ने, उस योजना ने भी इस ओर ध्यान खींचा है। जी, एक अन्य घटक जो राज्य स्तरीय अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण परिषदें हैं जिनको हम SERT के नाम से जानते हैं, और जिला स्तर पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट के नाम से मशहूर हैं, उनका सशक्तिकरण भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य बिंदु था। जी, अन्य घटक एक ब्लॉक स्तर पर टीचर्स को, इन सर्विस टीचर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए जो हमारे ब्लॉक संसाधन केंद्र थे या समूह संसाधन केंद्र थे, वहाँ पर अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षण अध्यापन सामग्री का विकास, उसको भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। इनकी अगर हम कहें एक सारांश रूप में कि इसके जो प्रमुख घटक कौन से थे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे जो पहली इसमें जोर दिया गया जिस बात पर, जो इसका फंक्शनल पॉइंट था, वो था विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, आधारभूत ढांचे को ठीक करना, जिसमें अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और बाकी सारी बातें की गई। दूसरा, ढांचे तो विकसित हो जाएंगे लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या उपयुक्त है कि नहीं, निश्चित रूप शिक्षकों की संख्या ठीक करने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, और साथ ही जो बच्चे विद्यालय में आते हैं वो विद्यालय से पहले क्या सीख कर आते हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास किस तरह से होता है, इस पर जोर देने के लिए शायद स्कूली शिक्षा से पहले के शिक्षा केंद्र खोलने पर भी बल इसमें दिया गया। और जो शिक्षा की योजना बनाने के केंद्र हैं, चाहे वो जिला स्तर पर डायट्स हों या राज्य स्तर पर SCERT हो, उनको भी मजबूत बनाया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, वहाँ रिसर्च की सुविधा दी जाए, वहाँ टीचर्स हों, ट्रेनर्स हों, उनको अपॉइंटमेंट किए जाए, और इसके साथ साथ BRC CRC को ठीक करना। तो टीचर अपॉइंटमेंट, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण पर बल देना और विद्यालयों को मजबूत करना, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाना। हम अगर सारांश रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि ये तीन जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे जो DPP कार्यक्रम का आधार थे। एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जी जी, कि इसमें इस योजना से कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख सकता है। हाँ, केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर, राज्य स्तर से जिला स्तर, जिला स्तर से ब्लॉक संसाधन केंद्र तक इन्होंने सारी यूनिट को फंक्शनल करके वहाँ पर एक सपोर्ट, जिसको कहते हैं एकेडमिक सपोर्ट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की यूनिट के रूप में विकसित करने की बात कही। जी, अच्छा ये बताइए कि जो DPP कार्यक्रम था, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था जो 1994 में शुरू हुआ, इसका वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होता था? मतलब इसमें राज्य सरकार का क्या योगदान होता था या केंद्र सरकार का क्या योगदान होता था, इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो वित्त पोषण है, ये मुख्यतः बाहरी सहायता से, विदेशों से प्राप्त सहायता से चलने वाला कार्यक्रम। इसमें वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा योगदान था, विश्व बैंक इसमें काफी उसमें जो परियोजना चल रही थी उसका जो कुल व्यय था उसका 85% केंद्र सरकार द्वारा, अच्छा, शेष 15% राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता था। अच्छा अच्छा, और विश्व की बहुत सी वित्तीय एजेंसियां थीं जो इस कार्यक्रम में मदद प्रदान करती थी। तब इस कार्यक्रम में चाहे वो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो, चाहे डाइट्स को मजबूत बनाना हो, चाहे शिक्षकों को नियुक्त करना हो, या शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना हो, BRC CRC को मजबूत बनाना हो, इन सब के लिए जो भी खर्च होता था वो खर्च केंद्र और राज्य में 85:15 के अनुपात में बटा था। निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार, एक समय में एक आंकड़ा है जी कि लगभग 6,938 करोड़ में से 5,137 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कर्ज के रूप में, अच्छा, तथा शेष 1,801 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त होता था। अच्छा, इसमें कुछ कर्ज भी लेती थी भारत सरकार। ये इसमें कर्ज के रूप में और अनुदान के रूप दोनों रूपों में आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती थी। जी जी जी, अच्छा ये कार्यक्रम चूंकि आपने कहा कि जिला के स्तर पर चलता था
और ये केंद्र सरकार की योजना थी जो राज्यों के सहयोग से चलती थी, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हुआ अधिकारों का, व्यवस्था का, नियोजन का। तो ये जब विकेंद्रीकरण केंद्र से जिला स्तर तक हुआ या BRC CRC के स्तर तक हुआ, तो ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। और कोई भी योजना तभी सफल होती है जब वो जहाँ उसकी योजना बनाई जाए और जहाँ उसको लागू किया जाए वहाँ तक एक तारतम्यता स्थापित रहे, एक फंक्शनल तारतम्यता रहे, कार्यकारी तारतम्यता रहे। तो इसके लिए जो निगरानी तंत्र था वो किस प्रकार कार्य करता था? इस कार्यक्रम की निगरानी या जिसे हम पर्यवेक्षण कहते हैं जी, समय समय पर आवधिक निगरानी मिशन जैसे संयुक्त समीक्षा मिशन जी, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली जी, शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली जी, कार्यक्रम प्रभाव अध्ययन आदि के माध्यम से की जाती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास औपचारिक रूप से किए जाते थे जी, कि जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्यक्रम आरंभ किया है उसका क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है जी, उसको जाकर के मौके पर देखना, उस सर्वे करना, संबंधित पक्षों से बातचीत करना, साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक स्तर से सूचनाएं एकत्रित की जाती थी। अच्छा। और उसकी निगरानी की जाती थी जिससे कि उन्हें उसको अगले सत्र में, अगले क्रम में पुनः लागू करने में जो कठिनाइयां पहले आ रही थी वो ना आए, उसका मूल उद्देश्य ये था। अच्छा, आपका कहना ये कि जो निगरानी की जाती थी वो निगरानी कई स्तरों पर होती थी, जिसमें ज्वाइंट रिव्यू मिशन जिसको आप संयुक्त समीक्षा मिशन कह रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें राज्य और केंद्र के अधिकारी रहते थे, वो सब मिलकर करते थे। साथ ही PMIS था जिसको परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली कहते हैं, या EMIS था जो कि शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली थी। तो ये प्रणालियाँ बनी हुई थी और प्रणालियाँ ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी जिससे कि इस कार्यक्रम की निगरानी भी हो रही थी, पर्यवेक्षण भी हो रहा था, और साथ साथ एक तरह से कह सकें कि निश्चित अंतराल पर एक मूल्यांकन भी हो जाता था ताकि अगले आने वाले वर्ष में मूल्यांकन में जो कमियां दिखाई दी हैं उनको सुधार कर इसको बेहतर बनाया जा सके। निश्चित रूप से जी। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम था, आपको क्या लगता है कि कार्यक्रम जब तक चला और जब ये दूसरे कार्यक्रम में आने के बाद उसमें सम्मिलित हो गया, तो आपको ऐसी कौन सी मुख्य उपलब्धियां दिखाई देती हैं जो आप ये कह सकते हैं कि ये उपलब्धियां इस देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान आई, या इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अपना महत्वपूर्ण योगदान है? जी, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई जी, उसमें उस संशोधन के बाद ये कार्यक्रम आरंभ हुआ जी। उस समय जिला स्तर पर या कहिए ग्रामीण स्तर पर बहुत ही कम प्राथमिक विद्यालय थे जी। इस योजना के आरंभ होने के बाद प्राथमिक विद्यालय बहुत तेजी से खुले जी, या यूं कहें इसके साथ साथ जहां प्राथमिक विद्यालय थे वहां अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ जी। लगभग 1,60,000 से अधिक स्कूल इस योजना के अंतर्गत खोले गए, जिनमें से लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र खोले गए जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों में भी लाखों बच्चे शिक्षण अध्ययन कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं जी। और अब तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश में 94% यानी कि 94% ग्रामीण जनसंख्या को आज 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है जी। यानी कि जो आज शिक्षा एक मूल अधिकार के रूप में हमारे सामने है, उन अधिकारों से ग्रामीण बालक या बालिका वंचित ना हो, इस हेतु सरकार ने प्रयास किया इस कार्यक्रम के तहत, और आज उसका परिणाम आपके सामने है जी। आज विद्यालय 1 किलोमीटर की पहुंच में प्राथमिक विद्यालय है जी। और 3 किलोमीटर के दायरे में हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय है जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि विद्यालय के अभाव में बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, विद्यालय उनके गांव में नहीं है या उनके नज़दीक में नहीं है जी। तो वो विद्यालय नहीं जाते हैं क्योंकि उनके गांव में विद्यालय नहीं है। यानी कि जो SS का इशू था, जो पहुंच का इशू था कि बच्चे की पहुंच तक, विद्यालय ऐसी जगह हो जहां तक बच्चा पहुंच सके,
उस पर डीपीपी कार्यक्रम ने बहुत गंभीर रूप से काम किया और गंभीर रूप से काम करने का परिणाम हुआ कि 1 किलोमीटर की पहुंच में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की पहुंच में उच्च प्राथमिक विद्यालय बच्चों को मिल पाए। तो ये तो एक एक्सेस का इशू हो गया। इसके अलावा आपको और कौन से योगदान लगते हैं इस कार्यक्रम के हैं? एक योगदान इसी एक्सेस से जुड़ा हुआ जी, इसमें जो सकल नामांकन अनुपात है जी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जी, इसमें भी काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई जी, वो उस दौर में 93 से 95 अच्छा प्रतिशत तक रहा जी, और ये अपने आप में एक सकारात्मक परिणाम था। बालिकाओं के नामांकन में काफी अच्छा सुधार आया। हाँ, मैं ये पूछने वाला था क्योंकि जब आप उद्देश्यों की बात कर रहे थे और जब जिलों के चयन की हम बात कर रहे थे तो उसमें कहा गया कि पहले वो जिले चुने गए जिन जिलों में बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से जो कमजोर जिले थे, तो उसमें क्या सुधार आया इस योजना पर? उसमें डीपीईपी के चरण एक के जिलों में जो कुल नामांकन हुए उनकी तुलना में बालिकाओं के नामांकन में लगभग 49% की वृद्धि हुई जी। उसका प्रमुख कारण ये था कि अगर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था तो उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था जी, तो बालिकाएं हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण करती थीं जी, जैसे ही बात आती थी उच्च प्राथमिक शिक्षा की जी, तो वो वहां से छोड़ देती थीं। लेकिन जब विद्यालय इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 3 किलोमीटर के दायरे में तो बालिकाओं का नामांकन न केवल प्राथमिक शिक्षा में बल्कि उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी काफी तेजी से बढ़ा जी, जिसको अभी आंकड़े के रूप में हमने प्रस्तुत किया लगभग 49% की, अपने आप में एक सराहनीय वृद्धि थी ये। अच्छा, डीपीपी का एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक कहिए या इसका योगदान कहिए जो माना जाता है, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि डीपीपी कार्यक्रम के तहत जो आप बात कर रहे थे कि समुदाय और विद्यालय को एक दूसरे के करीब लाना, इसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं बनी जिसमें से ग्राम शिक्षा समिति जिसको वीईसी बोलते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी, एक बड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था उस समय, एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। तो वो कैसे बना, किस तरह से लागू हुआ और आपको क्या लगता है कि उसकी क्या भूमिका रही प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने में? निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। ग्राम शिक्षा समितियां या स्कूल प्रबंधन समिति की अगर हम बात करें, समुदाय की सहभागिता जी, और वो समग्र दृष्टिकोण से, यही तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमने अभी चर्चा की, उसमें अभिभावकों का प्रतिनिधित्व, उसमें समानुपात में प्रतिनिधित्व, और एक तरह से ये कहें कि जो प्रबंधन है विद्यालय का उसमें उनकी सहभागिता, निर्णय की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता, तो जैसे उनका अपनापन, अपना विद्यालय जी, ये कॉन्सेप्ट आया जी, और इससे उस योजना से काफी अच्छे तरीके से लोग जुड़े जी। और आगे आप देखेंगे कि इसमें अंशकालिक शिक्षकों की, शिक्षा कर्मियों की कहें, 170,000 शिक्षक नियुक्त हुए, तो कहीं ना कहीं उन समितियों की चिंताएं थीं, उन्होंने अपनी बात उनके माध्यम से पहुंची कि नई शिक्षकों की आवश्यकता है, तो एक ये भी वजह थी इनकी सक्रियता, सामुदायिक सहभागिता इस कारण से जी। और शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3,380 संसाधन केंद्र तथा समूह स्तर पर 29,725 केंद्रों की स्थापना की गई। समूह का मतलब कुछ गांवों को मिलाकर एक समूह बना दिया जाता था, जिस ब्लॉक में ज्यादा समूह होते, ज्यादा गांव होते थे, तो एक तो ब्लॉक स्तर पर एक संसाधन केंद्र होता था जिसको बीआरसी बोलते थे, ब्लॉक पूरा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वो ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र होते थे, और कुछ गांवों को मिलाकर, कुछ गांवों का मिलाकर एक संसाधन केंद्र बना दिया जाता था जिसको क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी बोलते थे। तो बीआरसी और सीआरसी की स्थापना जो है आप मानते हैं कि इस योजना का एक बड़ा योगदान रहा, काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। इतने ज्यादा केंद्र खुले, अध्यापकों को स्थानीय स्तर पर एकेडमिक सपोर्ट उपलब्ध हो पाया जी जी। तो ये अपने आप में जब आप देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे जी, तो आप पाएंगे कि प्राथमिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इसको सबकी पहुंच तक ले जाना, इसमें समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, आपने चर्चा की कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर
सबसे जरूरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जब नामांकन बढ़ेगा तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई अगर हम बात करते हैं कक्षा एक से पांच तक के विद्यालय की, तो उसमें कम से कम पांच कक्षाएं तो होना आवश्यक है। तो इस कार्यक्रम ने न केवल आधारभूत संरचना को केंद्र में रखा, बल्कि उसके साथ साथ उस विद्यालय पहुंचने वाले समूह में बालिकाएं भी हर जाति से, हर वर्ग से, गांव के हर समुदाय से बच्चा वहां तक पहुंचे और उन सब की सहभागिता हो, उनके अभिभावकों की सहभागिता के लिए समितियों का गठन जी। साथ ही साथ अब शिक्षकों का मुद्दा, उसको भी इन्होंने गंभीरता से लिया जी। और शिक्षकों की न केवल नियुक्ति की गई बड़े पैमाने पर, बल्कि उनकी सेवा काल के दौरान उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जी। के रूप में सहायता, समय समय पर उनको प्रशिक्षण, नवाचार का प्रशिक्षण, यह सब भी उपलब्ध कराया गया। और न केवल इन केंद्रों को खोला गया, बल्कि उन केंद्रों को फंक्शनल बनाया गया और वो रिसोर्स उनको उनके सबसे नज़दीक सीआरसी पर उपलब्ध कराया गया, या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर उपलब्ध कराया गया, या फिर डाइट पर उपलब्ध कराया गया, या कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने के लिए एससीआरटी पर भेज करके उनको नवाचारों से परिचित कराने के लिए, इस तरह की पहल काफ़ी सार्थक सफलता के साथ शुरू हुई जी। जी तो जैसा कि आपने बताया, आपने डीपीपी कार्यक्रम के बहुत सारे पक्षों पर बहुत विस्तार से बात की। यदि मैं इसको सारांश रूप में समीक्षा करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि आपने जब डीपीपी कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला उद्देश्य था विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, अर्थात विद्यालयों की पहुँच बच्चों तक हो। तो इसके लिए नए विद्यालयों का निर्माण और जो विद्यालय हैं जहाँ कम कक्षाएँ वहाँ और कक्ष बने, इन दोनों बिंदुओं पर ये योजना काफ़ी हद तक सफल रही। दूसरा, अध्यापकों की नियुक्ति पर आपने बताया कि कई लाख शिक्षकों की नियुक्ति बहुत सारे राज्यों में अंशकालिक शिक्षकों के रूप में, बहुत सारे राज्यों में शिक्षा कर्मियों के रूप में, और बहुत सारे राज्यों में पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में की गई। तो ये शिक्षकों की संख्या पर भी इस योजना ने ध्यान दिया। तीसरा, आप जो टीचर ट्रेनिंग का इशू था, शिक्षक प्रशिक्षण का मुद्दा था, तो इन्होंने डाइट्स को सक्षम बनाया, और डाइट को सक्षम बनाने के साथ साथ जो बीआरसी और सीआरसी बनाए, जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाए, उनके माध्यम से निचले स्तर तक सतत प्रशिक्षण मिलता रहे अध्यापकों को, और साथ ही उनको आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध होती रहे, आवश्यक संसाधन मिलते रहें, इसकी व्यवस्था इस योजना में की गई, जो हम कह सकते हैं इस योजना का एक बड़ा योगदान था। तीसरा, जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि इस योजना के आने से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया, 94 से 95% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंच गया। बालिकाओं का विद्यालय में आना जो एक बड़ा मुद्दा था, उस पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ और बालिकाओं की संख्या अच्छी बढ़ी, और आपने एक जगह बताया कि 49% तक बालिकाएं जो हैं वो 40% तक के 49% तक बालिकाएं जो हैं वो विद्यालय में आने लगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस योजना के जो, और आपने बताया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एससीआरटी को मजबूत किया गया, वहाँ भेजकर मास्टर ट्रेनर्स तैयार कराए गए, और वो मास्टर ट्रेनर फिर सीआरसी और बीआरसी में आकर बाकी टीचर्स को ट्रेन करते थे। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, जो विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट था, वो शिक्षा की यो नियोजन का विकेंद्रीकरण हो, और योजना क्रियान्वयन के लिए निचले स्तर तक के लोगों को साथ में लेने का क्रियान्वयन हो, इन दोनों मुद्दों पर इसने बड़ा अच्छा काम किया। और जो आपने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि समुदाय की भागीदारी, ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से, विलेज एजुकेशन कमेटीज़ के माध्यम से जो समुदाय की भागीदारी इस योजना में विद्यालय के कार्यक्रमों में की गई, उस भागीदारी ने विद्यालय और समुदाय को एक दूसरे के करीब लाया, और तब इसका जो प्रमुख लक्ष्य था कि जिले की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, ताकि समुदाय और विद्यालय एक दूसरे से लाभ ले सकें, उसमें ये योजना काफ़ी हद तक सफल रही। तो मुझे लगता है कि ये एक भारत सरकार की अभिनव और सफल योजना थी। हमें ऐसी बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, संसाधन बदलते हैं, नई तकनीकियां आती हैं, तो उनको भी निचले स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि डीपीपी कार्यक्रम, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, वो अपने समय का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और उसने भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमू सिंह जी, कि आपने इतने विस्तार से इसके एक एक पक्ष को स्पष्ट किया,
और हमें आशा है कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।